नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल गुरुजी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज का हमारा सेशन शुरू होता है हरियाणा जीके से। तो जो भी मित्र बंधु, स्टूडेंट्स, भाई बहन हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की इन वीडियो पर ज़रूर सर्च करें। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है हरियाणा जीके आगे के कुछ एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जैसे कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कॉन्स्टेबल्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हर किसी में हरियाणा जीके तो महत्वपूर्ण रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सेट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है। गुजरी महल हिसार ज़िले में है, फिरोज शाह पैलेस हिसार ज़िले में है, बारसी गेट भी हिसार ज़िले में है, लेकिन शेख चिली का मकबरा हिसार ज़िले में नहीं है। शेख चिली का मकबरा हिसार ज़िले में नहीं है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? हरियाणा सरकार में मंत्री हैं नायब सिंह जी, वो किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? चलिए उसका पता लगाते हैं। जी, नारायणगढ़ से। आपका सीधा सीधा आंसर है, नारायणगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित है हरियाणा का राज्यपाल बनने के लिए? तो इसका आंसर है 35 ईयर्स। चौथा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड संबंध है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? औद्योगिक श्रम से है दोस्तों, औद्योगिक श्रम से मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाने जा रही है? तो बताइए, पंचकुला में। हरियाणा सरकार पंचकुला में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, पुरातत्वीय खोजों के लिए संग्रहालय का स्थापना पंचकुला में होगा, लागत कितनी है? 30 करोड़ की। सिक्स नंबर क्वेश्चन, राव बहादुर के खिताब से सम्मानित है, राव बहादुर के खिताब से सम्मानित है सर छोटू राम जी, सर दीन बंधु, सर छोटू राम, किसानों के बड़े नेता हुए सर छोटू राम। तो ये हमारा आंसर होगा, सर छोटू राम का गांव भी अगर आपसे कोई पूछे तो जसिया, जसिया गांव है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? यानी मृदा प्रधान कौन सी, हरियाणा में ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? इसका आंसर है रेतीली और दुमटी मिट्टी, रेतीली और दुमटी मृदा का प्राधान्य क्षेत्र है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है, चंडी नाम किससे व्युत्पन्न हुआ है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप, चंडी नदी से हुआ है, चंडीदास के किले से हुआ है, चंडी पर्वत से, या चंडी मंदिर से? तो बिल्कुल ही आसान है, ये चंडी मंदिर से चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 9th नंबर, कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो आंसर है आपका महेंद्रगढ़, कान्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का समय हो चला है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? यानी हृदय हरियाणा कौन से नगर को कहा जाता है? तो जींद, जींद को हृदय नगर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज, CIRB, तो भैंसों का कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB स्थित है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हिसार में स्थित है। घोड़ों का भी, अश्वों का भी हिसार में है, बफेलो का, यानी बड़े जो कृषि से संबंधित है वो आपको हिसार में ही मिलेंगे, इंस्टीट्यूट है कृषि से रिलेटेड। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी CDLU, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वहाँ है। फिर आगे चलते हैं,
12वां क्वेश्चन आपका, पांडू पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? पांडू पिंडारा, पांडू पिंडारा जो है आपका हरियाणा हृदय जिले में स्थित है, यानी हरियाणा हृदय जो आपका इससे पहले क्वेश्चन था जींद, तो पांडू पिंडारा का जो पवित्र स्थान है आप इस तरह याद रख सकते हैं, हरियाणा हृदय जींद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष में मिला था? चलिए बताइए, पलवल को किस वर्ष में जिले का दर्जा मिला था? तो सन 2008 में पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था, सन 2008 में पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था। अब समय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भुजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो बताइए भुजनी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो भुजनी का इसका सही आंसर है माथे पर, भुजनी माथे पर धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? 1857 फ्रीडम फाइट में राव तुलाराम ने कौन से एरिया में, कौन से रीजन में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर है ए, नारनौल रेवाड़ी, कि वो उसी से एरिया से आते थे, नारनौल रेवाड़ी एरिया से, तो नारनौल और रेवाड़ी एरिया में। अभी इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करवा देता हूँ, जो बुजनी है वो माथे पर नहीं पहना जाता, बुजनी जो आभूषण है वो आपका कानों में पहना जाता है, बुजनी बुजनी ये रॉन्ग है, कानों में पहना जाता है बुजनी, इसके लिए थोड़ा समय प्रार्थनी प्रार्थी हूँ, बुजनी मुझे बाद में ध्यान आया, बुजनी आभूषण जो है वो कानों में धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कहता है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? चलिए बताइए हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, आपके 4 प्रशासनिक मंडलों में हरियाणा को बांटा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित है? हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी कौन से खेल से संबंधित है? चलिए बताएं, जी हाँ बी, दौड़ से, जुत्सी है जो दौड़ से रिलेट करती हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब वो स्वर्गवास हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19 है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो नीति से जैसे कि आप समझते हैं, नीति यानी कोई नीति निर्धारित करती है, पहले इस आयोग का नाम योजना आयोग होता था, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत है? तावड़ू, तावड़ू जो है नगर किस जिले के अंतर्गत है? तो मेवात जिले के अंतर्गत है दोस्तों तावड़ू नगर जो है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 21 पर, क्या कह रहा है 21, बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ का चलिए बताइए कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है बहादुरगढ़? बहादुरगढ़ है दोस्तों आपका NH 10 पर, NH 10 नाम से एक फिल्म भी आई थी अनुष्का शर्मा की, तो वहाँ बहादुरगढ़ का सीन दिखाया गया था, NH 10 जो है वो बहादुरगढ़ जो है NH 10 पर स्थित है। नेक्स्ट आपका 22, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अगर जहाँ योग और आयुर्वेद का नाम आएगा और बाबा रामदेव जी का नाम ना, ये तो हो नहीं सकता, तो बाबा रामदेव जी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के हैं, हालांकि हरियाणा से ही हैं बाबा रामदेव जी, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पतंजलि इंस्टीट्यूट चलाते हैं बाबा रामदेव जी। तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए 23, आंसर आपका सिलिकॉन का, आंसर है सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज किया जाता है सौर सेल को बनाने में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24, किसी पदार्थ की सतह से रसायन इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है?
किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? 24, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचयन। ये बीच में कुछ आपके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हैं, तो आपकी दोनों की तैयारी होती रहेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? कोथली उपहार किस अवसर पर? ये तीज, तीज पर हम अक्सर कोथली का उपहार देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना जीके का सेगमेंट। अगर आपको पसंद आया जीके का सेगमेंट तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब में रेड बटन को प्रेस करें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और पास में एक घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इन वीडियो के नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएं। आपका दिन शुभ हो।